औद्योगिक नीति उद्योगों की स्थापना सरकार की नीति पर निर्भर करती है यदि सरकार की औद्योगिक नीति में उद्योगों की स्थापना के लिए उदारता नहीं होगी तो कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आगे नहीं आएगा उद्योगपति ऐसे देशों में अपनी पूंजी निवेश करते हैं जहां शासकीय नीतियां लचीली होती हैं जहां शासन अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कम से कम करे और कर कम से कम हो जहाँ बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क बिजली व यातायात व्यवस्थित हो नई औद्योगिक नीति का प्रभाव तीन प्रमुख नीतियाँ बनाई गई हैं जो निम्नलिखित हैं पहला उदारीकरण उदारीकरण का अर्थ है नियमों व प्रक्रियाओं को आसान बनाकर लाइसेंस परमिट राज को कम करना जिससे विदेशी कंपनियाँ अपनी प्रौद्योगिकी व तकनीकी के साथ भारत में कारखाने लगा सकें यह औद्योगिक विकास के लिए किया गया उपाय है जो सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में अपनाया गया आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसे और अधिक प्रोत्साहित किया गया निजीकरण सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचा जाना उन उपक्रमों का निजीकरण करना कहलाता है विगत सालों में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के घटते लाभ को देखते हुए इनके प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने घटाने में चल रहे बीमार उपक्रमों को बंद करने की मांग तेजी से बढ़ने लगी सार्वजनिक उपक्रमों में लगातार बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की श्रृंखला के दौर में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की नीति अपनाई और इन सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का मार्ग खोल दिया इस प्रक्रिया में सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के अंश को बेचना आरंभ किया इससे इनके प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी एवं अतिरिक्त संसाधनों का एकत्रीकरण भी हुआ वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण 1980 व 1990 के दशकों में शुरू हुई वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत पूंजी के साथ साथ वस्तुएं और सेवाएं श्रमिक और संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं वैश्वीकरण वैश्वीकरण का मुख्य जोर घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा को को बढ़ाने पर है। को हम दो तरह से समझ सकते हैं पहला एक आर्थिक व राजनैतिक प्रक्रिया जिसके तहत उत्पादन और वितरण का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है अर्थात देश के बीच उत्पादन पूंजी श्रम विचारों वह संस्कृति के आवागमन या लेन देन में जो बाधाएं थी या है उनका खात्मा ताकि पूरे विश्व में इन सब बातों का बेरोक टोक लेन देन हो सके दूसरा वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने के लिए सुझाई गई नीतियां जिन्हें हम उदारीकरण की नीति भी कहते हैं भारत में वृहद औद्योगिक प्रदेश औद्योगिक विकास की विशेषता होती है कि यदि एक स्थान पर कुछ उद्योग विकसित हो जाते हैं तो कई अन्य उद्योग भी वहीं आकर्षित होते हैं वहां आवश्यक सुविधाएं जैसे कुशल श्रमिक परिवहन के साधन मशीन के पुर्जे व्यापार का प्रबंध आदि उपलब्ध हो जाते हैं यही कारण है कि औद्योगिक केंद्र विशाल नगरों एवं उसके आसपास के इलाकों में फैलता जाता है उसके आसपास के नगरों में भी कई उद्योग परपने लगते हैं इस प्रकार औद्योगिक प्रदेश विकसित होता है साथ ही सरकार की नीति भी इसे विकसित करने में सहयोग देने लगती है जब कई प्रकार के उद्योगों का विकास स्थानीय रूप से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखकर किसी खास क्षेत्र में तेजी से किया जाता है तो ऐसे क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है भारत में निम्नांकित औद्योगिक प्रदेश है। पहला मुंबई पुणे प्रदेश दूसरा हुगली प्रदेश तीसरा बंगलुरु कोयम्बटूर प्रदेश चौथा गुजरात प्रदेश पांचवा, छोटा नागपुर प्रदेश छठवा विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश सातवा गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश आठवा कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश